है वहाँ वहाँ वो जो राक्षसों के बच्चे वहाँ दैत्यों के पड़ते हैं वो पूछते थे कि प्रहलाद क्यों रोते हो, कहा मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या करते हैं, कौन है, कहा भगवान नारायण है। कहा क्या करते हैं आपके नारायण, कहा सबका कल्याण करते हैं। कहा खाक कल्याण करते हैं, दुखों से मुसीबतों से रक्षा हमारे पिता करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर के माता देती है, है? और आप कह रहे हो कि भगवान हमारा संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं भगवान, वो अपने मित्रों को समझाते थे महाराज इन्हीं भगवान ही सबका कल्याण करने वाले हैं महाराज। एक बार वहाँ अंजलि के नारायण नाम का कीर्तन चल रहा था, इतने में महाराज चंडा मर्ग जो गुरु थे प्रहलाद जी के वो वहाँ पर आए। जब देखा कि बच्चे सारे हो हल्ला कर रहे हैं, कोई ध्वनि आ रही है, ध्वनि किस चीज की थी कि वहाँ कीर्तन चल रहा था भगवान के नाम का। आकर के चंडा मर्ग गुरु जी ने आकर के उनको शांत कराया, चुप रहो, थोड़ी देर के लिए बालक चुप हो गए, मगर फिर से प्रहलाद जी ने सारे बच्चों से कहलवाना शुरू कर दिया। महाराज क्या कि नारायण नारायण का उच्चारण किया करो, खेलना है तो भी नारायण का नाम लेकर के। एक दिन सारे बच्चे भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, इतने में महाराज हिरण्यकशिपु वहां पर पहुंच गया, जोर से आकर के धाम से धरती पर हाथ मारा, कहा क्या बात, उठा करके अपने प्रहलाद को गोदी में लिया, कहा बेटा क्या पढ़े हो आज। कहा गुरु जी ने पढ़ाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु सवर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम वातम नवेदनम। कहा पिताजी ये भगवान को पाने के मार्ग है, श्रवणम भगवान की कथाओं को सुनो, कीर्तन करो भगवान का, ये भी भगवान को पाने का मार्ग है, ये भी भगवान की भक्ति कही गई है, भगवान को याद करना ये भी भक्ति कही गई है, और मन ही मन भगवान जी की चरण सेवा करना, या कहीं भगवान का श्री विग्रह है वहां जाकर के सेवा भाव करना, अर्चना करना, पूजा करना, वंदना करना, और भगवान के दास बन करके रहना। आप लोगों ने सुना है कई 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 लोग